के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा, स्वच्छता मिशन जो बापू की पार्टी ने पूरा नहीं किया उसे नरेंद्र मोदी ने किया पूरा। बीएसए ऑफिस में तैनात लेखाकार और लिपि की गिरफ्तारी के बाद हुई रिहाई पर जिलाधिकारी से मिले पीड़ित एसपी नॉर्थ ने बताया, मेडिकल के आधार पर आरोपियों को दिया गया है बेल। जिले में खनन की स्थिति की जिलाधिकारी ने समीक्षा, कहा खनन के दौरान बंधों की सुरक्षा का रखें ख्याल। गोरखपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, गिनाई सरकार की 4 वर्ष की उपलब्धियां। पेट्रोल डीजल के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि की कांग्रेसियों ने किया विरोध, कहा दाम नहीं कम हुआ तो सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। अनुसूचित जाति जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि की ट्रांजैक्शन फेल्ड है, वे अपने खातों को करा लें अपडेट। जिला अस्पताल के ब्लड विभाग का लाइसेंस प्रमाण पत्र नवीनीकरण के लिए आई भारत सरकार की जांच टीम ने ब्लड संरक्षण कक्ष में छिपकली को देखकर भड़की। गोरखपुर महिला समिति ने भीषण गर्मी में राहगीरों में चना और शबीर प्रसाद का किया वितरण। 31 मई को जिलाधिकारी करेंगे भारत माता परियोजना के तहत सोनौली से गोरखपुर फोरलाइन निर्माण के लिए जन सुनवाई। संविदा कर्मियों द्वारा कार्यालय सहायक के साथ हुई मारपीट के विरोध में विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन ने विद्युत नगरीय वितरण खंड प्रथम टाउन हॉल पर किया विरोध प्रदर्शन। और जिला क्रिकेट लीग में TNM खलीलाबाद ने अक्की स्पोर्ट्स को 95 रनों से हराया।